हेलो फ्रेंड, आप लोगों का सईद ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज हम उसके आगे शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहचान। जिस हिंदी वाक्यांत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं वर्तमान वर्तमान में कार्य का जारी होना पाया जाता है, कार्य का जारी होना पाया जाता है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं वर्तमान में कार्य का जारी होना पाया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। एक्सेप्शन, खड़ा है बैठा है लेटा है सोया है पड़ा है आदि सब आते हैं। खड़ा है बैठा है लेटा है सोया है पड़ा है आदि शब्द आते हैं, तो भी ये क्या होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव पहले पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल्स लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट। विंग का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, विंग मीन्स क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज आई एम आर, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। देखिए आई के साथ क्या लगाते हैं, आई एम, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, जैसे ही शी इट के साथ क्या लाएंगे इज, प्लूरल जैसे हो गया प्लूरल के साथ क्या लाएंगे आर, जैसे हो गए यू हो गया वी हो गया दे हो गया चिल्ड्रेन हो गया स्टूडेंट्स हो गया, उसके साथ क्या लाएंगे आर का प्रयोग करेंगे। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है,
वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। देखिए हमने क्या लगाया था रूल्स में, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट, इसी का रूल क्या करेंगे फॉलो करेंगे। वह अंग्रेजी पढ़ रहा है, सबसे पहले क्या लाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है वह, वर्किंग इंग्लिश क्या होगी ही, ही इज रीडिंग क्या पढ़ रहा है अंग्रेजी, रीडिंग इंग्लिश, ही इज रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ रहा है। वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है वे लोग, इंग्लिश क्या हो जाएगी दे, दे आर रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक, वे लोग किताब पढ़ रहे हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आई आई एम, आई के साथ क्या लाएंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। देखिए सब्जेक्ट ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट यानी वह क्या हो गया सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, रीडिंग क्या है विंग यानी वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी, इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग क्या हो गया विंग, बुक क्या हो गया ऑब्जेक्ट, मैं क्या आई क्या हो गया सब्जेक्ट, एम क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, टीचिंग क्या हो गया विंग यानी वर्ब के फर्स्ट पार्ट में आईएनजी, इंग्लिश क्या हो गया ऑब्जेक्ट। ओसामा ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है, ओसामा ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा है, तो क्या हो जाएगा ओसामा क्या हो गया सब्जेक्ट, ओसामा इज खड़े इंग्लिश क्या होती स्टैंड, यानी क्या हो जाएगा स्टैंडिंग, ओसामा इज स्टैंडिंग के सामने की इंग्लिश क्या होती है इन फ्रंट ऑफ, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड, ओसामा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ब्लैक बोर्ड। देखिए हमने बताया था जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है रही है या खड़ा है बैठा है लेटा है सोया है पड़ा, इसमें क्या हो गया खड़ा है, तब भी क्या हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, सबसे पहले हमने क्या किया ओसामा क्या हो गया सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद विंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मोहन चाय
पी रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन चाय पी रहा है, मोहन इज टेकिंग टी। हुज़ैफ़ा बेंच पर बैठा है, हुज़ैफ़ा बेंच पर बैठा है, हुज़ैफ़ा इज स्टैंडिंग, नहीं सिटिंग होगा, क्या बैठिंग मीन्स क्या होती है, सिटिंग बैठना, तो क्या हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा, सिटिंग ऑन द बेंच, हुज़ैफ़ा इज सिटिंग ऑन द बेंच, हुज़ैफ़ा बेंच पर बैठ, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ निगेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव रूल्स लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट, वे लोग बाजार जा रहे हैं, वे लोग बाजार जा रहे हैं, वे लोग निगेटिव प्रारंभ, ठीक है, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, क्या हो जाएगा, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार नहीं जा रहे, दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, दे क्या हो गया सब्जेक्ट, आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है नॉट प्लस बीइंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, बाहर बारिश नहीं हो रही है, बाहर बारिश नहीं हो रही, अब देखिए इसमें बाहर बारिश नहीं हो रही, इसमें सब्जेक्ट क्या करेंगे, देखिए वर्षा होना, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं मिला तो क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, कहां हो रही, बाहर बारिश नहीं हो रही, बाहर की क्या होती है आउटसाइड, आउटसाइड, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही है, ठीक है, निगेटिव के बाद क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जैसे एग्जाम रूल्स लिखिए इसका,
सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या हुआ है, फुटबॉल खेल रहा है, क्या हुआ है फुटबॉल खेल रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वह के साथ क्या करें, हेल्पिंग वर्ब इज क्या हो जाएगा, इज ही प्लेइंग प्लेइंग फुटबॉल, इज ही प्लेइंग फुटबॉल। देखिए इज हो गया, सब्जेक्ट क्या आपका ही, प्लेइंग क्या हो गया विंग हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया फुटबॉल। इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या मोहन सड़क पर दौड़ रहा है, क्या मोहन सड़क पर दौड़ रहा है। क्या हो जाएगा, मोहन सिंगुलर इसके साथ क्या लाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इज मोहन दौड़िंग, इसका होती है रन, इसका होता है दौड़ना, तो क्या हो जाएगा रनिंग, रनिंग इज मोहन रनिंग ऑन द रोड क्वेश्चन मार्क, इज मोहन रनिंग, इज मोहन रनिंग ऑन द रोड, क्या धोबी तालाब में कपड़ा धुल रहा है, कपड़ा धुल रहा है, क्या धोबी तालाब में कपड़ा धुल रहा है, इज धोबी की इंग्लिश क्या होती है, वॉशरमैन, इज वॉशरमैन धुलने क्या आता, वॉश 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 में क्या है, वॉशिंग, इज वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथ इन द पॉन्ड, इज वॉशरमैन वॉशिंग क्लॉथ इन द पॉन्ड, क्या धोबी तालाब में कपड़ा धुल रहा है, क्या चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, क्या की जगह हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया आर, द वर्ड्स क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या फ्लाइंग क्या हो गया विंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्या सोहन
कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। क्या सोहन कुछ कह रहा है? सोहन इज, सोहन कहने मीन्स क्या होती है, से का सेइंग हो जाएगा, सेइंग इज सोहन सेइंग समथिंग, समथिंग मीन्स क्या होता है, कुछ। इज सोहन सेइंग समथिंग, क्या वह कुछ कर रहा है, क्या वह कुछ काम कर रही है, क्या वह कुछ काम कर रहा है, क्या वह कुछ काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, इज ही काम करने के वर्क मीन्स काम करना, वर्क इज ही वर्किंग समथिंग, इज ही वर्किंग समथिंग, क्या वह कुछ काम कर रहा है। रूल्स लिखिए, इंट्रोवर्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विद्यार्थी स्कूल कैसे जा रहे हैं, विद्यार्थी स्कूल कैसे जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या है, कैसे, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, हाउ आर स्टूडेंट्स, हाउ आर स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल, हाउ आर स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल, इंट्रोवर्ट हाउ हो गया, आर क्या हो गया, वी, इंट्रोवर्ट हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, हाउ आर स्टूडेंट्स, ठीक, इंट्रोवर्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या हो गया, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, स्टूडेंट्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया, विंग हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, हाउ आर स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल, वे लोग बाजार कब जा रहे हैं, कब वे लोग बाजार कब जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्या, इंट्रोवर्ट, व्हेन आर दे गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, इंट्रोवर्ट हो गया व्हेन, उसके बाद आर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, गोइंग क्या हो गया, विंग, मार्केट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वह कहां जा रहा है, वह
कहां जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेयर, वेयर मीन्स कहां, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, वह कहां जा रहा है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, रूल्स लिखिए, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ है, अखबार नहीं पढ़ रहा है, क्या हुआ है, अखबार नहीं पढ़ रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी क्या जो क्या शुरुआत हो रहा है तो क्या करेंगे, क्या जहां पर क्या लिखा हुआ है वहां पर हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज क्यों होगी, क्योंकि ये वर्ब क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, इज ही नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या वह अखबार नहीं पढ़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद विंग, उसके क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग प्रतिदिन नहीं नहा रहे हैं, क्या हम लोग प्रतिदिन नहीं नहा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, आर आर वी नॉट टेकिंग ए बाथ डेली, आर वी नॉट टेकिंग बाथ, टेकिंग ए बाथ डेली, क्या हम लोग प्रतिदिन नहीं नहा रहे हैं, और क्या हो गया, क्या शुरुआत हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट नॉट हो गया, उसके बाद क्या हो गया, विंग ऑब्जेक्ट, क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या सचिन तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या हो जाएगा, इज सचिन इज सचिन तेंदुलकर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज सचिन तेंदुलकर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, सचिन तेंदुलकर क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया प्लस नॉट हो गया, उसके बाद विंग हो गया प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोवर्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस इंट्रोवर्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बच्चे अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बच्चे अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? इंट्रोवर्ट वाई आर चिल्ड्रेन वाई आर चिल्ड्रेन वाई आर चिल्ड्रेन नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। Why are children not speaking English? पहले क्या हो गया? Introvert। उसके बाद helping verb क्या हो गया आपका? Are। Introvert क्या हो गया? Why। Children क्या हो गया? Subject plus not। Ring क्या हो गया? Speaking। Wing हो गया plus object plus question mark। वे लोग मछली क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? वे लोग मछली क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? तो क्या करेंगे हम? इंट्रोवर्ट लगाएंगे सबसे पहले। वाई आर दे नॉट कैचिंग फिश। क्वेश्चन मार्क। वाई आर दे नॉट कैचिंग फिश? वाई क्या हो गया? इंट्रोवर्ड हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया आपका? आर। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया? दे। उसके बाद नॉट। विंग क्या हो गया? कैचिंग। फिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वे लोग जंगल में लकड़ी क्यों नहीं काट रहे हैं? वे लोग जंगल में लकड़ी क्यों नहीं काट रहे हैं? सबसे पहले क्या लाएंगे? इंट्रोवर्ट वाई आर दे नॉट कट मिस काटना कटिंग हो जाएगा। कटिंग क्या हो जाएगा? वुड। वुड मिस लकड़ी। वाई आर दे नॉट कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट? फॉरेस्ट मिस जंगल। वाई आर दे नॉट कटिंग वुड इन द फॉरेस्ट? बच्चे मैदान में पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हैं? बच्चे मैदान में पतंग क्यों नहीं उड़ा रहे हैं? इंट्रोवर्ट वाई आर
चिल्ड्रेन नॉट फ्लाइंग काइट, कहां पर? मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड. वाई आर चिल्ड्रेन नॉट फ्लाइंग काइट इन द ग्राउंड? वह प्रतिदिन किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है? वह प्रतिदिन किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है? वाई वाई इज ही नॉट रीडिंग बुक डेली? वह प्रतिदिन किताब क्यों नहीं पढ़ रहा? तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो गया? इंट्रोवर्ट. उसके बाद इस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब. ये क्या हो गया? सब्जेक्ट. के बाद नॉट पिंग के बाद ऑब्जेक्ट. चलिए आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पूरा कंप्लीट कर लिए. कल से हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे.